आज मैं आप लोगों के साथ लूटस्ट सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 32 पर मैंने चिंतन करना चाहता हूं। यीशु कह रहा है, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूं। यीशु कह रहा है, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूं। यीशु ईश्वर का पुत्र इस धरती पर इसलिए आया कि मैं पश्चाताप करूं, मैं अपने पाप के रास्ता को त्याग दूं। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में इस धरती पर आने का यीशु का मतलब लक्ष्य यीशु कहता है कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। उस परिपूर्ण जीवन का अनुभव करने के लिए यीशु हर एक विश्वासियों को हर एक पापियों से आग्रह करता है कि हम अपने पाप को छोड़कर पश्चाताप करते हुए यीशु की ओर अपना रास्ता मोड़ दें। लेकिन अक्सर हमारे जीवन में एक पाप को छिपाने के लिए हम दूसरे पाप करते करते आगे जाते हैं। प्यारे भाइयों, हमारे जीवन में बहुत सारे दुख कष्ट रोगों के प्रधान कारण हमारा पाप ही है। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107 पद संख्या 17 में प्रभु का वचन हमें सिखाता है, तुम्हारे पापों के कारण तुम लोग बीमार पड़ गए हैं, अपने पापों के कारण तुम लोग कष्ट झेल रहे हैं। इसलिए एक अर्थांग रोगी को जब लोगों ने यीशु के पास लेके आया, यीशु उन्हें देखकर उस अर्थांग रोगी से कहा, तुम्हारा पाप क्षमा हो गए हैं। उस अर्थांग रोगी की बीमारी का कारण उनका पाप ही था। यीशु ये बात समझ लिया। इसलिए यीशु जब अपना जीवन का कार्य शुरू करते वक्त, अपने करिश्माई जीवन का शुरुआत करते वक्त, सबसे पहले मत्तो से सुसमाचार में प्रभु का वचन लिखता है, समय पूरा हो चुका है, पश्चाताप करो और तुम सुसमाचार में विश्वास करो। प्यारे भाइयों एवं बहनों, हमारे जीवन में यदि यीशु का अनुग्रह का जरूरत है, उस अनुग्रह को पाने के लिए सबसे पहला बात है हमको पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। जब तक मैं पश्चाताप नहीं करूंगा, अपने पापमय रास्ता को नहीं त्याग दूंगा, ईश्वर का आशीष हमारे जीवन में नहीं आएंगे। क्योंकि ईश्वर का आशीष हमारे जीवन में आने के लिए सबसे बड़ा बाधा है हमारा ही पाप। कभी कभी हम लोग अपने जीवन में ये सोचता है, आज नहीं हम कल पश्चाताप करेंगे, आज हम ऐसे जिएंगे, कल हम पश्चाताप करेंगे। लेकिन प्रभु का वचन हमें सिखाता है हमको आगे की ओर उसको नहीं रखना है। प्रवक्ता का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 5 से 9 तक यदि हम पढ़ेंगे, क्षमा पाने की आशा में पाप पर पाप मत करते जाओ। क्षमा पाने की आशा में पाप पर पाप मत करते जाओ। यह मत कहो, उसकी दया असीम है, वह मेरे असंख्य पापों को क्षमा करेगा, क्योंकि दया के अतिरिक्त उसमें क्रोध भी है और उसका क्रोध पापियों पर भड़क उठता है। प्रभु के पास शीघ्र ही लौट जाओ, दिन भर उसमें विलंब मत करो, क्योंकि प्रभु का क्रोध अचानक भड़क उठेगा और दंड के दिन तुम्हारा विनाश होगा। प्रभु का वचन हमें सिखाता है, प्रभु के पास शीघ्र ही लौट जाओ, दिन भर दिन उसमें विलंब मत करो। प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग प्रभु की ओर मोड़ने के लिए विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं जानता हूं अगला घड़ी मेरे जीवन में क्या बीतेगा। जब अगला घड़ी के बारे में मुझे मालूम नहीं है तो अगले दिन की बात क्या है। इसलिए हम लोग इस वक्त पश्चाताप करते हुए प्रभु की ओर हम लोग मोड़ना बहुत जरूरी है। हर वक्त
छोटी मोटी जो भी पाप हम करते हैं, हर वक्त उस पाप के लिए प्रभु से क्षमा मांगना बहुत जरूरी है। इसलिए यसकेल नबी का ग्रंथ अध्याय 3:20 में यसकेल नबी लिखता है, यदि धर्मी धार्मिकता त्याग कर अधर्म उत्तरी रास्ते पर चले रहा तो वो मर जाएंगे। यदि एक धर्मी व्यक्ति अपने धर्मी की जीवन की रास्ता को त्याग कर पाप करेगा तो उस पाप के कारण वो मर जाएंगे, क्योंकि हम वो पश्चाताप करने के लिए भी हो सकता है शायद उस वक्त समय ना मिला हो। इसलिए हम लोग हर वक्त प्रभु के साथ एक मेल मिलाप रखने के लिए एक पश्चाताप का जीवन जीना बहुत जरूरी है। पश्चाताप का जीवन जीना बहुत जरूरी है। जोएल नबी का ग्रंथ अध्याय 2:14 तक हम यदि पढ़ेंगे, उधर किस प्रकार हम लोग पश्चाताप करना है, किस तरह हर एक व्यक्ति पश्चाताप करना है, उसके बारे में स्पष्ट शब्दों में योहेल नबी लिखता है, अब तुम उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अब तुम उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है और वह सहज ही द्रवित हो जाता है। क्या जाने वह द्रवित हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करें। योहेल ने भी लिख रहा है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। उपवास करो, क्या है उपवास शब्द का अर्थ? पास बैठना, यीशु के साथ बैठना, यीशु के साथ समय बिताना। ये जल्दीबाजी पश्चाताप नहीं है, उनके साथ समय बिताकर जब मैं उनके साथ समय बिताऊंगा, जब मैं उनके चरणों पर बैठना शुरू करूंगा, जब मैं प्रभु के वचनों को सुनना शुरू करूंगा, जब मैं प्रभु के वचनों पर ध्यान देना शुरू करूंगा, वचनों पर मनन चिंतन करना शुरू करूंगा, मुझे उस पश्चाताप की जरूरत समझ में आ जाएंगे। लूटर से सुसमाचार अध्याय 19 में हम सकेउस के बारे में पढ़ते हैं। वो सकेउस यीशु के चरणों पर बैठा, सकेउस यीशु के साथ अपना समय बिताया। यीशु ने पश्चाताप की बात नहीं कहा, लेकिन यीशु की उपस्थिति, यीशु का सानिध्य उनके मन में, उनके जीवन में पश्चाताप की जरूरत का बीज डाल दी। जैसे उनके मन में पश्चाताप की जरूरत के बीज उजने लगा, तुरंत उसने यीशु से कह रहा है, मैं जितने भी लोगों को धोखा दिया उन्हें मैं 4 गुना लौटा दूंगा। वो अपने पापों के लिए पश्चाताप करने के लिए तैयार हो जाता है, और जब वो पश्चाताप करने के लिए तैयार हो गया, जब वो पश्चाताप किया, निर्णय लिया, उस वक्त यीशु उस सकेउस से कह रहा है, आज इस घर में शांति का आगमन हुआ है, आज इस घर में रक्षा का आगमन हुआ है। प्यारे भाइयों बहनों, सकेउस यीशु के चरणों पर बैठा, यीशु ने उन्हें पश्चाताप करने के लिए कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसका सानिध्य, उनके जीवन में बदलाव आया। उसने उपवास के साथ, यीशु के साथ समय बिताने पर उनके मन में उसकी जरूरत तो समझ में आया। लेकिन हमारे जीवन में हम इस दुनिया के लोड में व्यस्त हैं। यीशु के साथ बैठने के लिए, ईश्वर के वचनों पर मानन चिंतन करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, समय की कमी है। इसलिए हम अक्सर क्या होता है, पश्चाताप करने के बारे में भी हम लोग बहुत कम सोचते हैं। इसलिए योएल नबी रहता है, उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। रोते तथा शोक मनाते हुए,
प्यारे भाइयों बहनों, हमारे हृदय से पश्चाताप आना चाहिए, ना कि सिर्फ मुंह से। हृदय से अपने पापों के लिए रोना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु आगे रहता है, अपना वस्त्र फाड़ता नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो। अपना वस्त्र फाड़ता नहीं, हृदय से पश्चाताप करो। हम सुसमाचार में एक पापनी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। वो पापमय जीवन में अपना जीवन बिताती थी, पाप के रास्ता में वो गुजरती थी। लेकिन जब उसने यीशु के बारे में सुनी, यीशु के बारे में जब उनको ज्ञानदारी मिला, उनके मन में ये इच्छा पैदा हुआ कि मैं उसके पास जाऊँ, उसके चरणों पर बैठूँ, उसकी बातों को मैं सुनूँ। और वो यीशु के वचन को सुनने के लिए उस पापिनी स्त्री यीशु के पास जाते हैं। और यीशु के साथ बैठते ही वक्त वो अपने पापों के लिए हृदय से रोना शुरू कर देती है। जब उनके हृदय में अपने पाप के बारे में सोच आया, रोने लगा, सुसमाचार में हम पढ़ते हैं वो अपने आंसुओं से यीशु का पैर धो डाल देते हैं। यीशु का पैर वो अपने आंसुओं से धोती है, क्योंकि उनका दिल में इतना दुख हुआ कि मेरा पाप कितना दुख यीशु को दिया, ईश्वर को दिया। प्यारे मित्रों, जब मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा कि मेरा पाप यीशु को, ईश्वर को दुख दे रहा है, तब मेरा दिल भी टूटने लगेगा और मेरे आंखों से भी आंसू बहने लगेंगे। इसलिए वो योएल नबी हमसे आग्रह करता है, रोते और विलाप करते हुए अपने प्रभु के पास वापस आ जाओ। और आगे रहता है, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है। क्या जाने वह द्रवित हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। प्यारे मित्रों, हमारा पाप हमारे जीवन में प्रभु आशीष आने के लिए एक तरफ बाधा है। जो भी आशीष प्रभु हमें देना चाहता है, वो हमारे जीवन में आने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए हमारा पाप हमेशा एक बाधा के रूप में खड़े रहते हैं। इधर योएल नबी कहता है, क्या जाने कि जब हम पश्चाताप करेंगे कि तब ईश्वर द्रवित हो जाए और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। प्यारे मित्रों, हमारे जीवन में ईश्वर का आशीष, आशीर्वाद प्रचुर मात्रा में आने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है एक दिल से एक पश्चाताप करो। दिल खोलकर, दिल तोड़कर, रोते और विलाप करते हुए ईश्वर का सामने बैठकर अपने पापों के लिए पश्चाताप करो। हम योना नबी का ग्रंथ हम पढ़ेंगे, उधर हमको देखने के लिए मिलेगा अध्याय 3 पद संख्या 7-10 तक। जब योना नबी नीनवे देश में जाकर लोगों के सामने सुसमाचार का प्रचार किया, ईश्वर की वाणी को सुनाया और लोगों से कहा, तुम लोग पापमय जीवन बिताते हो और ईश्वर चाहता है कि तुम लोग पश्चाताप करते हुए ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि ईश्वर प्रेम है, ईश्वर तुमसे प्यार करते हैं और ईश्वर तुम्हारे जीवन आशीष देना चाहते हैं। जब लोगों ने योना नबी से ईश्वर के वचनों को सुना, ईश्वर की इच्छाओं को सुना, तब राजा नीनवे के हर एक निवासी से कहता है, अभी से चाहे मनुष्य हो या जानवर, गाय हो या बैल, कोई भी आज से ना तो टाएरा, ना चरेरा और ना पानी पिएरा, सभी व्यक्ति डांट ओढ़कर पूरी शक्ति से ईश्वर की दुहाई देंगे, सभी अपने कुमार तथा अपने हाथों से होने वाले हिंसात्मक कार्य छोड़ दें। क्या जाने ईश्वर द्रवित हो जाए और उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश ना होने दे। राजा नीनवे के हर एक निवासी से रहता है, अब से
हर एक व्यक्ति जानवर पशु सब कुछ उपवास करते हुए प्रभु के साथ अपना समय बिताए, ईश्वर के साथ अपना समय बिताए। और राजा क्या आगे रहता है, क्या जाने ईश्वर द्रवित हो जाए और उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश ना होने दे। प्यारे मित्रों, जब राजा ने सारे निवासियों से अपनी इच्छा प्रकट की, तब पूरा देश पश्चाताप करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हर एक निवासी पश्चाताप करने के लिए तैयार हो जाता है और सब लोग पश्चाताप किया, अपने पापों के लिए प्रभु से क्षमा मान रहा। तब प्रभु का वचन में आगे लिखता है, ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार छोड़ दिया है, तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। प्यारे मित्रों, थोड़ा सा मानन चिंतन करके देख ले, जब उन लोगों ने पश्चाताप किया, जिस ईश्वर ने योना नबी से कहा कि मैं निनवे निवासी का नाश करूंगा, उनका सर्वनाश करूंगा, वही ईश्वर अपना मन बदलता है जब उसने देखा कि निनवे के निवासी पश्चाताप करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब जब निनवे के निवासी पश्चाताप करने के लिए तैयार हो जाता है, तब ईश्वर ने अपने मन में जो योजना बनाई थी वो योजना को भी वो रद्द करता है और उन पर दया करते हुए उनके ऊपर अपन आशीष प्रचुर मात्रा में वो देते हैं। प्यारे मित्रों, हम भी अपने जीवन में अपने ही पापों के कारण बहुत सारे विपत्तियां आने देते हैं। इसलिए शुरू में मैंने आप लोगों से कहा, स्तोत्र अध्याय 7 पसंद 17 में प्रभु का वचन हमें सिखाता है, अपने पापों के कारण हम लोग बहुत कष्ट झेलते हैं, अपने कुडर्मों के कारण हम बीमार पड़ जाते हैं। प्यारे मित्रों, उधर जब हम पश्चाताप करने के तैयार हो जाएंगे, तब प्रभु की आशीष, प्रभु का आशीर्वाद हमारे जीवन में प्रचुर मात्रा में आ जाएंगे और हमारा भविष्य ही पलट जाने शुरू करेंगे। आज तक मेरे जीवन में सफलता नहीं था, आज तक जो भी कार्य मैंने किया उधर मुझे सफलता मिलना मुश्किल था, लेकिन जब मैं पश्चाताप करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, पश्चाताप करने के बाद पश्चाताप के साथ अपना कार्य जब मैं शुरू करूंगा, तब मेरे हर एक कार्य में प्रभु का आशीष प्रचुर मात्रा में आने लगेंगे। तो प्यारे मित्रों, पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। यदि हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 हम पढ़ेंगे, उधर हम लोग देखने के लिए मिलते हैं, जब मिस्र देश से उस गुलामी से निकलकर ईश्वर के चुने हुए प्रजा इसराइली जनता कानान देश की ओर जा रहे हैं, रास्ते में इसराइली जनता मूसा और ईश्वर के खिलाफ विरुद्ध में भुनभुनाने लगते हैं, तब ईश्वर उनका नष्ट करने के लिए विषैले जानवर उनको सांप उनको उनके बीच बेचता है। बहुत सारे लोग ये विषैले जानवर जहरीले सांप उनके काटने के चलते मर रहे हैं। तब मूसा उस इसराइली जनता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इन्हें तू क्षमा कर। उधर नर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्य 14 में हम देखते हैं, उधर प्रभु का वचन लिखता है, जब मूसा ने इसराइल जनता के लिए प्रभु से क्षमा मांगा, तब दंड देने की जो धमकी दी थी उसका विचार ईश्वर ने छोड़ दिया। जो ईश्वर ने इसराइली जनता को नष्ट करने के लिए नाश करने के लिए दंड देने की जो धमकी दी थी उसको ईश्वर ने त्याग दिया, ईश्वर ने छोड़ दिया, ईश्वर उनके साथ देने लगा। तो प्यारे मित्रों, हम सबों को भी अपने जीवन में हर वक्त पश्चातावमय जीवन जीना बहुत जरूरी है, पश्चातावमय जीवन जीना बहुत जरूरी है। इब्रानियों के लिखे पत्र
अध्याय 6 पद संख्या 6 हम पढ़ेंगे। उधर प्रभु का वचन स्पष्ट शब्दों में लिख रहा है, यदि वे पदभ्रष्ट होते हैं तो उन्हें पश्चाताप के मार्ग पर ले आना असंभव है, क्योंकि वे अपनी ओर से ईश्वर के पुत्र को फिर क्रूस पर आरोपित करते हैं और उसका उपहास कराते हैं। प्यारे मित्रों, जब मैं पश्चाताप नहीं करूंगा, जब मैं पश्चाताप नहीं करूंगा, पापमय जीवन में आगे चलते रहेंगे, तब जिस यीशु ने मेरे लिए क्रूस पर मारा, इब्रानियों के लिखे हुए पत्र में प्रभु का वचन हमें सिखाता है, मैं उसको दोबारा क्रूस पर मार डालते हैं और उनका उपहास करते हैं। प्यारे मित्रों, हमारे द्वारा ईश्वर दोबारा क्रूस पर नहीं मरना चाहिए, बल्कि हमारे जीवन के द्वारा ईश्वर हमेशा खुश रहना चाहिए कि वो मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। तो आइए हम ये निर्णय लें, ये संकल्प लें, हम अपने जीवन में हमेशा एक पश्चातापमय जीवन बिताएंगे। हम अपने जीवन में हमेशा पश्चातापमय जीवन बिताएंगे, यीशु के साथ हम हमेशा जुड़े रहेंगे। एक बल हम प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, हम तेरे वचनों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाया है, मैंने इसलिए आया हूँ ताकि पापी पश्चाताप करें, मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें जीवन मिले, परिपूर्ण जीवन मिले। हे प्रभु यीशु, तूने क्रूस पर मेरे लिए मरा ताकि मैं उस आनंद जीवन का अनुभव कर सकूँ। हे प्रभु यीशु, हम तुझसे कृपा मांगते हैं कि हम हमेशा एक पश्चातापमय जीवन बिताते हुए तेरे अनुग्रह प्रचुर मात्रा में अनुभव कर सकें। हे माँ मरियम, तू हमारे साथ मिलकर हमेशा प्रभु से प्रार्थना कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.